तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 जो कि है फेडरलिज्म। तो अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल में ये वीडियो होगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि हमें एक मैप दिया है, पॉलिटिकल मैप इंडिया का। उसमें हमें लोकेट करना है जो हमें स्टेट्स दिए गए हैं। तो हमें ये चार स्टेट दिए गए हैं, एक है मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये चार स्टेट को हमें लोकेट करना है। तो फर्स्ट देखो, ये हमारा कौन सा है, नेपाल के बाजू में हमारा कौन सा था, सिक्किम था। ठीक है, तो आपको लिखना है, पहले आप ऐसे कलर कर दोगे उसे, उसके बाद उधर मार्क कर दोगे कि सिक्किम है। ग्रीन कलर में हमने ये सिक्किम मार्क किया है, जैसे कि इधर आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया था, एक मणिपुर भी दिया था। तो मणिपुर कहाँ है हमारा, हमारा मणिपुर ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में कहाँ, ये जो ब्लू से हमने मार्क किया है, ये हमारा है मणिपुर। तो ये मणिपुर हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब ये देखो, छत्तीसगढ़ पूछा गया है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल से थोड़ा सा जो राइट लोगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के जस्ट बाजू में है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गया हमारा ऑरेंज में हमने छत्तीसगढ़। और गोवा तो आपको पता ही रहेगा कहाँ है, गोवा एकदम छोटा स्टेट है, वो इधर लोकेट किया गया है महाराष्ट्र के जस्ट नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा गोवा रेड कलर में, यही हमारा लोकेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज। तो 3 फेडरल कंट्रीज को हमें शेड करना है, कोई भी फेडरल कंट्रीज आप शेड कर सकते हो अदर देन इंडिया। तो हम क्या करते हैं, हम 3 कंट्रीज को क्या करते हैं, शेड करते हैं। और आप अपनी मर्जी से चाहो तो जिसको शेड करना है कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, हम पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 को हम शेड करेंगे जो कि फेडरल कंट्रीज हैं इंडिया को छोड़ के। इधर क्या बोला गया है, अदर देन इंडिया, नहीं तो इंडिया को हम जरूर लेते हैं। तो इंडिया के जस्ट बाजू में जो पाकिस्तान है, ये फेडरल कंट्री है, तो इसे हमने क्या किया, शेड किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी इधर क्या है, फेडरल कंट्री है। तो आप लिख सकते हो कि साउथ अफ्रीका को हमने शेड किया, ये फेडरल है। उसके बाद हम किसको कर रहे हैं, पाकिस्तान को किया है, तो पाकिस्तान क्या है, फेडरल है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को किया है, तो ये भी हमारा फेडरल है। तो जो जो फेडरल कंट्रीज थी उन्हें हमने शेड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें दिया है, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो, प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस कौन सा चैप्टर था, पावर शेयरिंग का चैप्टर था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका, ये सब जो कंट्री थी उनके बारे में पढ़ा था, पावर शेयरिंग कैसे होती है। तो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि बेल्जियम और इंडिया में क्या सिमिलैरिटी है वो हमें एक बतानी है, और साथ ही साथ क्या डिफरेंस है वो हमें एक बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि बेल्जियम और इंडिया फेडरल कंट्रीज हैं, तो यही पहला सिमिलैरिटी हो सकता है। डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस हम लोग का ये रह सकता है कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है लेकिन इंडिया में नहीं है, बस यही लिखना है। तो आप लिखोगे कैसे, फर्स्ट लिखोगे कि फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू बेल्जियम। फर्स्ट तो हमने क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया कि क्या है, पहले हम सिमिलैरिटी लिख रहे हैं बेल्जियम और इंडिया का, क्या है कि देर इज पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है कि इंडिया और बेल्जियम में पावर क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस में जो हमने बताया कि उधर कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। फीचर्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। पहले आंसर रिपीट कर, क्वेश्चन रिपीट कर दिया, उसके बाद आंसर हो जाएगा कि इंडिया हैज़ नो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस व्हाइल बेल्जियम हैज वन। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, बेल्जियम में है लेकिन इंडिया में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। पहले एक हमें मेन डिफरेंस बताना है, एक ही बताना है यूनिटरी और फेडरल के बीच में। तो क्या डिफरेंस हो सकता है, इनका डेफिनेशन ही हमारा मेन डिफरेंस होगा, इनको एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ। तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं ऐसे, आपको बॉक्स बना लेना है जब भी आपको डिफरेंशिएशन पूछे, फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म। तो फेडरल में क्या होता है, हमें पता है कि पावर क्या होती है, डिवाइड होती है अलग अलग गवर्नमेंट के बीच, देर इज अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेयर एज अगर यूनिटरी फॉर्म की बात करें तो पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में, कोई पावर डिवाइड नहीं होती स्टेट के हाथ में, यूनियन गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट रहती है वही पूरी पावर ले लेती है और वही पूरी कंट्री को रोल करती है। तो हो जाएगा द पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं रहता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर रहती है, इसे हम बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देना था तो इंडिया का इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, और पिछले चैप्टर में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि वो नॉन फेडरल है, वहाँ पावर एक ही क्या थी, डोमिनेशन बोल सकते हैं, डोमिनेशन जो लैंग्वेज थी सिन्हाला लैंग्वेज, उनके हाथ में पावर थी पूरी। तो वही एग्जाम्पल लिख सकते हो, पहले इंडिया के बारे में लिखेंगे कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, जिसमें क्या होता है कि पावर यूनियन, स्टेट, लोकल, ये तीनों पे डिवाइड होती है। वेयर एज अगर श्रीलंका देखें तो श्रीलंका में क्या होता है, पावर एक सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो मेन गवर्नमेंट रहेगी उधर की, उनके हाथ में पावर रहती है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को पावर नहीं दी जाती। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं, और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो डिटेल में जो आंसर हम बता रहे हैं वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ के साथ। फिफ्थ क्या दिया है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 1992 के पहले और 1992 के बाद में लोकल गवर्नमेंट की क्या हालत थी, वो हमें डिफरेंस करके बताना है। पहले बताएंगे कि 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट की क्या हालत थी और 1992 के बाद क्या हालत हुई। ठीक है, तो पहले आप बॉक्स बना लोगे ऐसा और उसके अंदर आंसर लिखोगे। प्री 1992 इसका मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट 1992 के पहले और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया। तो पहले क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट को ऐसे ही बना के रख दिया था, उसमें क्या होता था, उनको कोई पावर नहीं दी जाती थी, साथ ही साथ उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था, और इलेक्शन तक नहीं होते थे। तो ये आप लिख सकते हो पहले की बात और बाद की बात उसका जस्ट उल्टा। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इलेक्शन क्या होते थे, रेगुलर नहीं होते थे, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, और होके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उनके पास पावर रहती ही नहीं थी। पहले क्या होता था 1992 के पहले इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया, तो क्या होने लगा, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो अब क्या कर दिया गया, एक ऐसा नियम बना दिया गया जिसमें कि अब लोकल गवर्नमेंट को क्या हो, हर बार जब भी इलेक्शन आए तो इलेक्शन हो, ऐसा बोल दिया गया, रेगुलर इलेक्शन हेल्ड हो। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। समझो इलेक्शन होता है हर बार, लेकिन पावर अगर आपके पास नहीं रहेगी और आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट हो जाओगे, अगर कुछ बन भी जाओगे तो फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि आप तो कुछ काम कर ही नहीं सकते बिना पैसे के। तो क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्हें पैसे देती ही नहीं थी और सारे पैसे खुद के पास रखती थी, तो उसकी वजह से क्या होता, अगर इलेक्शन होता कोई जीतता भी तो क्या होता है, इन लोग चेंज कुछ ला नहीं पाते सोसाइटी में, जो स्मॉल स्मॉल एरिया जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पहुँच नहीं सकती वहाँ पर ये इनका जो पहुँचने का रास्ता था वो भी बंद हो जाता। लेकिन क्या हुआ, 1992 के बाद द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट आया, ऐसा चेंज आया जिसने बोला कि अब क्या हो, जो थोड़ी मनी है, थोड़ा पावर है, इनके हाथ में दिया जाए, ताकि क्या हो, जो स्मॉल एरिया जहाँ पर जो गवर्नमेंट वहाँ टैकल नहीं कर सकती, उसे वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो जाके टैकल करे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्या पूछा है, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। अब देखो फेडरेशन की बात की गई है और यूनाइटेड स्टेट की, तो या तो दो फेडरेशन हमने बात की थी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब इन दोनों में से एक ही होगा। अब यूनाइटेड स्टेट क्या है, यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ है, अलग अलग कंट्रीज आके एक बोल सकते हैं अलग अलग कंट्रीज आके एक बड़ी कंट्री बनी है। तो क्या हुआ है, सब कमिंग टुगेदर, सब जो कंट्रीज है कम टुगेदर, तो सब एक साथ आके एक बड़ी कंट्री बना है, तो इसे हम बोल सकते हैं कमिंग टुगेदर। अब ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर एंड स्टेट आर डैश। अब इधर क्या बोला गया है कि हर एक स्टेट के पास क्या रहेगी, इक्वल पावर रहेगी, और स्टेट क्या रहेंगे, स्टेट आर स्ट्रांग। पहले देखो अब दो रहता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहती है, और कमिंग टुगेदर में क्या रहता है कि स्टेट्स के पास इक्वली पावर डिवाइड रहती है और सारे स्टेट स्ट्रांग रहते हैं, सबके पास इक्वल पावर रहती है। लेकिन वही अगर बात करें इंडिया के बारे में, वाइस वर्स द फेडरल गवर्नमेंट बट इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन एंड सम स्टेट हैव मोर पावर देन अदर्स। अब इधर क्या बोला गया है, बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन एंड सम स्टेट हैव मोर पावर देन अदर।
अब इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर, मतलब क्या है, सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है और स्टेट्स के हाथ में कम पावर है, तो ये उनका हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर। साथ ही साथ इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर, कौन से गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि क्या है, होल्डिंग टुगेदर फॉलो हो रहा है और कमिंग टुगेदर में स्टेट्स के पास ज्यादा पावर रहती है, मतलब इक्वल पावर रहती है, स्टेट्स सारे स्ट्रांग रहते हैं, यहाँ क्या रहते हैं, स्टेट्स थोड़े वीक रहते हैं सेंट्रल के अलावा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है हियर आर थ्री रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया। अब तीन रिएक्शन दिए गए हैं तीन लोग के, जो लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में फॉलो होती है। अब क्या देना है, गिव एन आर्गूमेंट एंड एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट एनी ऑफ दिस पॉइंट, तो इसमें से कौन सा पॉइंट हमें सही लगता है उसे हमें एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। संगीता, द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। अब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो अकोमोडेशन की वजह से क्या हुआ है, नेशनल यूनिटी भी क्या हुई है, अकोमोडेट हुई है, मतलब कि जो इंडिया है उसमें यूनिटी बनी रही है, अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद भी क्या है, सब लोग यूनाइटेड कंट्री का पार्ट बने हुए हैं। अरमान क्या बोलता है, द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैव डिवाइडेड अस बाय मेनी मेकिंग एवरी कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेजेस। अब क्या इधर बोला गया है कि जो स्टेट है, स्टेट अलग अलग जो स्टेट है वो क्या कर रहे हैं, खुद को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि उनके लैंग्वेज को बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उनके लैंग्वेज को, ऐसा अरमान बोल रहा है। क्या हुआ है, अलग अलग स्टेट बना दिया गया है और वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन क्या है, सब स्टेट इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो एक भी स्टेट है, जो सारे स्टेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुद की लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज को सबसे ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अरमान बोल रहा है। और हर्षी क्या बोल रहा है, द पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। तो ये पॉलिसी जो हुई इंडिया में लैंग्वेज की, उसकी वजह से क्या हो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका डोमिनेशन होगा, मतलब इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सबके ऊपर अपोज होगी, सारे लैंग्वेज के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज लगा दी जाएगी, ये जो पॉलिसी लगाई गई है इंडिया में इसकी वजह से, लैंग्वेज पॉलिसी। तो इन सब में से हमें सही आंसर लग रहा है संगीता का, क्योंकि उससे यूनिटी स्ट्रांग हुई है, ना कि ये जो दो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं अरमान और हरीश ने, ये राइट है। तो जो संगीता है वो सही बोल रही है कि ये अकोमोडेट होने की वजह से क्या हो रहा है, नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम किसके साथ जाएंगे, संगीता के साथ। द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन मेंशन बाय संगीता इज करेक्ट रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड बाय इंडिया। तो ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू दिस पॉलिसी इंडिया स्टैंड इन यूनिटी विद स्टेट हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज। तो अब इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट और उनके अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बाद भी क्या है, एक कंट्री बन गई है, एक बड़ी सी इंडिया बन गई है, एक इंडिया कंट्री बन गई है। अगर क्या होता है, सब स्टेट अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते तो शायद ही क्या होता है, इंडिया बन पाती, यूनिटी उनमें आ पाती, लेकिन क्या हुआ, सब लोग को क्या किया गया, इक्वल माना गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि सब जो भी डाइवर्सिटी है वो अकोमोडेट हो पाई और हमारा इंडिया बन पाया। उसके बाद हैड इंडिया नॉट फॉलो दिस पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन सेवरल स्टेट कुड हैव प्रपोज्ड सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री। लेकिन क्या हुआ, कुछ स्टेट जो थे वो निकल गए थे, जैसे कि पाकिस्तान बन गया था बाद में जाके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट हमें क्या दिया है, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। द नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फर्स्ट क्या दिया है कि नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट रहती है वो थोड़ा पावर देती है लोकल गवर्नमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, ये नेशनल गवर्नमेंट कौन सी रहती है, हमने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सुना था, तो ये नेशनल गवर्नमेंट कोई नहीं रहती, तो फर्स्ट आंसर पे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट तो होती है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि वर्टिकल फॉर्म, पावर जो नीचे से डिवाइड हो, मतलब कि स्टेट, सेंटर और लोकल ऐसे ही डिवाइड हो पावर, वैसा हमें पूछा गया है। तो फेडरल फॉर्म में तो ये नहीं आ जाएगा, लेकिन ये करेक्ट है, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। तो इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन तो भी क्या है, सी वन रॉन्ग है, कैसे कि जो ऑफिशियल्स है जो इलेक्ट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये तो रॉन्ग है सरासर। और डी क्या है, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट,
तो हमें फेडरल फॉर्म का ही फीचर बताना है। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट रहती है जहाँ पर पावर डिवाइड होता है वर्टिकली, वर्टिकल लेवल पे पावर डिवाइड होता है, डिफरेंट लेवल पे पावर डिवाइड होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का यही एक फीचर है कि क्या होता है, पावर क्या रहता है, इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर के थोड़े सही भी हैं, सही भी है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, फेडरल फॉर्म के बारे में बताना है, तो इसकी वजह से हमारा डी आंसर हम चुनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अ फ्यू सब्जेक्ट इन वेरियस लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। अब हमें क्या करना है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट इन सब में ये जो चीज़ दी गई है, अलग अलग एक्टिविटीज जो दी गई है, मतलब अलग अलग काम जो दिए गए हैं वो हमें डिवाइड करना है। तो डिफेंस का काम कोई किसका रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का, क्योंकि पूरी कंट्री का डिफेंस संभालना रहता है ना, तो सेंटर ही संभाल सकता है, तो डिफेंस का तो यूनियन गवर्नमेंट का। पुलिस कौन रहता है, पुलिस का स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कैसे मैनेज होना है वो पुलिस संभाल सकती है अच्छे से। स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पास अगर ये दे दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने स्टेट्स का देख पाएगी एक साथ, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस की क्या है, बोल सकते हैं पुलिस का पावर है। एग्रीकल्चर तो ये दोनों भी देखते हैं, एजुकेशन ये कौन देखता है, ये भी दोनों देखते हैं। बैंकिंग क्या रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का काम रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका काम रहता है, क्योंकि क्या रहेगा, करेंसी सेम ऑल इंडिया चलनी चाहिए। फॉरेस्ट तो ये किसका काम रहेगा, हमारा, तो ये हमारा काम रहेगा दोनों का कैसे, कंकरेंट लिस्ट में आएगा, क्योंकि दोनों को भी मैनेज करना पड़ेगा फॉरेस्ट। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मैनेज करना है। ट्रेड क्या रहेगा, ट्रेड स्टेट टू स्टेट होता है, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता ना, तो ट्रेड हो जाएगा हमारा स्टेट में। मैरिज भी दोनों करेंगे, यूनियन और स्टेट दोनों का क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा शेयर रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका, इधर भी यूनियन क्या करेगा, डिफेंस को संभालेगा, कम्युनिकेशन को संभालेगा और बैंकिंग को संभालेगा। स्टेट क्या रहेगा, पुलिस एग्रीकल्चर और ट्रेड को संभालेगा। कंकरेंट लिस्ट में क्या आ जाएगा कि एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैनेज, तो ये जो तीन चीज़ें ये दोनों भी संभाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट द लेवल टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अगेन ईच। अब क्या दिया गया है कि कोई सब्जेक्ट जो है, समझो कि स्टेट लिस्ट, तो उस पर कौन जो हुक्म चला सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे करके हमें पेयर को मैच करना है कि क्या करेक्ट पेयर हमें दिया गया है और जो इनकरेक्ट है वो हमें निकालना है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट लिस्ट, हाँ तो ये करेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट को मैनेज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, वही सेम, ये करेक्ट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट, यही सब तो अभी हम देख के आए। लोकल गवर्नमेंट रेसिडरी पावर्स, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ये कौन संभालता है, यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये संभालती है, लोकल गवर्नमेंट इसमें से कुछ नहीं संभालती। तो क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ये है हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है रेसिडरी पावर, ये लोकल गवर्नमेंट रेसिडरी पावर नहीं संभालती। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो अब क्या करना है हमको, लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करके देखना है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया कौन रहता है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, तो कुछ नहीं, उधर का उधर ही रहेगा। स्टेट, अब स्टेट का कौन रहता है हेड, या फिर बोल सकते हैं कौन संभालता है, मेन जो रहता है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आप गेस करो जरा, अगर आपने गेस कर लिया तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखो स्टेट का जो रहता है वो गवर्न करता है, कौन गवर्न करता है, गवर्नर गवर्न करता है, तो हम लोग का हो जाएगा शायद गवर्नर, स्टेट का गवर्नर। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कौन संभालेगा, मेयर संभालता है। ग्राम पंचायत का मतलब गांव साइड एरिया का, तो कौन संभालता है, सरपंच। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप देखोगे इधर आंसर भी दिया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है, इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।